अस्सलाम-ओ-अलैकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो इस बारे में है कि बर्ड्स जो है मैंने कब से रखे हैं, मुझे जो है कब से शौक़ है और मुझे इनसे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या चीज़ है। तो मैं इसमें आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरी लाइफ की है और वो इस तरह से है कुछ कि बर्ड्स का शौक़ तो जो है शुरू से ही था और हर किसी को जब शुरू से होता है शौक़ तब ही जो है वो इसमें इन होता है और फिर उसको आगे लेकर जो है चलता है। तो मेरा भी जो है इसी तरह ही जो है शुरू से ही चलता हुआ आ रहा था। पहले मैंने कबूतर रखे हुए थे, मैं कबूतरों का शौकीन था। देन फिर मैं बाकी चीज़ों में आया, फिर मैंने फैंसी रैबिट रखे, डक्स रखी, फैंसी मुर्गियाँ रखी, गिनी फॉल रखे। तो मतलब इस तरह जो है मेरा ये एक सफ़र जो है शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ मुझे ही शौक़ नहीं था, मेरे अब्बू को भी शौक़ था। तो वो जो है इसमें काफ़ी जो है मुझे सपोर्ट करते थे हर एक चीज़ में, ये केजेस वगैरह लेना, बनाना जो है, मतलब और जो चीज़ें थी तो उन उसी तरह जो है मैं लेके चलता रहा। तो उसके बाद शुरू तो मैंने जो है इस तरह किया था, कबूतर वगैरह तो मैंने काफ़ी टाइम पहले रखे हुए थे, लेकिन फिर जब अब दोबारा से जब मैंने शुरू किया था तो मैंने रैबिट रखे थे, रैबिट से मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने चैनल बना लिया, फिर डक्स में लेकर आया। तो इस तरह जो है वीडियोस बनाना शुरू की। तो काफ़ी लोग जो है मुझे इस रैबिट्स और डक्स और मतलब इन बर्ड्स की वजह से जो है जानने लगे। फिर फेसबुक पर भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब की वजह से जो है मुझे ये चीज़ें जो है मिली हैं और मतलब जो है मैं इस चीज़ में मेरा एक मतलब नाम बना है जो सिर्फ यूट्यूब की वजह से हुआ है। और काफ़ी फ़ायदा जो है रैबिट फार्मिंग से भी किया, फिर डक्स फार्मिंग से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर आगे जो है चल के मैंने ये वाला बर्ड्स का काम शुरू किया। इसमें पता क्या हुआ कि सबसे पहले जो है ये देखें, ये वाला केज जो है मैंने ख़रीदा था। ठीक है, इस केज के बाद जो है मैंने भैया को नीचे केज नज़र आ रहा है, ये वाला केज ख़रीदा था। तो ये वाला इसमें, और सबसे पहले मैंने जो है 5 पेयर फिंचेस के लिए थे। फिर ऐसे ही फिंचेस को बढ़ाया, फिर जो है डायमंड डव ली, फिर उसके बाद जो है मैं लव बर्ड फिशर का जोड़ा लेकर आया। तो इस तरह जो है ये मेरी जर्नी चलती गई और साथ साथ जो है मेरे परिंदे बढ़ते गए, केजेस बढ़ते गए, एक एक करके मैंने पिंजरा लिया। ऐसा नहीं हुआ कि सारे इकट्ठे ले लिए। ठीक, तो यूँ जो है ये सिलसिला चल पड़ा। फिर बर्ड्स ने ब्रीड करना स्टार्ट की। शुरू में जो है मुझे नए बर्ड्स रखे हुए थे तो उनके बारे में उतनी चीज़ों का नहीं पता होता था कि कैसे करूँगा, क्या होता है। तो ऐसा ऐसा बंदा सीख जाता है जब एक्सपीरियंस करता है, जब सर पे आती है। मतलब शौक तो था। सबसे पहली जो चीज़ है इसमें कि आपको शौक़ होना ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ में सर्वाइव कर सकते हो। इस काम को, इस मतलब इस हॉबी को आप आगे लेकर चल सकते हो अगर आपको शौक़ है। आप अगर सिर्फ ये जो है ऐसे करो कि आप किसी को देखो कि हाँ उसको जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो तो बड़े पैसे कमा रहा है इस चीज़ से, तो मैं भी उस तरह कर लेता हूँ। अगर आपको शौक़ नहीं है और आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप जो है इस चीज़ में आगे जो है नहीं बढ़ सकते, इसमें जो है आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तो फिर ही आप सर्वाइव कर सकोगे और आपको फ़ायदा भी होगा। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि ये हॉबी है, ये क्या बिज़नेस है। तो बिज़नेस बाद में बनता है, पहले वो आपकी हॉबी, आपका शौक़ होता है। तो फिर ये चीज़, दूसरा ये कि मेरे अब्बू भी इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करते थे कि और क्या काम किया जाए, जॉब नहीं करनी है, ऐसा कुछ अपना कारोबार हो, काम हो जिससे फ़ायदा भी हो, जो घर रह के हो सके। तो ये चीज़, वैसे तो मेरे अब्बू जो है इलेक्ट्रिशियन थे, बिजली का काम करते थे, सोलर का काम करते थे, तो मैं उनके साथ जो है हेल्प करता था, लेकिन साथ में इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करते थे कि इस चीज़ में आगे बढ़ो। इसमें यूट्यूब का भी से भी एक मतलब क्या, मेरा चैनल मोनेटाइज है। ठीक है, यूट्यूब से भी इनकम आती है, लेकिन यूट्यूब से इनकम जो है हर महीने नहीं आती, 3-4 महीने के बाद आती है। तो एक ये चीज़, तो यूट्यूब से भी इनकम आना और यूट्यूब पे भी एक नाम बनना, वो भी किस वजह से, परिंदों की वजह से। अगर परिंदे ना होते तो फिर मैं क्या वीडियो बनाता और मैं मेरा क्या नाम बनता है इस चीज़ में। ठीक है, तो सारी चीज़ें बर्ड्स की वजह से ही हैं, बर्ड्स के काम की वजह से ही हैं, बर्ड्स की शौक़ की वजह से हैं, बर्ड्स के बिज़नेस की वजह से हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको शौक़ है तो फिर आप लेकर चल सकते हो इस चीज़ को। बात ये आपसे ये करनी है कि अभी 1 साल हो चुका है, मेरे अब्बू फोत हो गए हैं। ठीक है, अब जब पहले तो ये था कि वो साथ सपोर्ट करते थे, क्या चीज़ सारा कुछ जो है वो
हो जाता था, मैं बेगम था हर चीज़ से कि कैसे होगा। जब ये फोत हुए, एक ये दुख कि अबू फोत हो गए हैं, अब कैसे होगा, क्या चीज़। दूसरी ये टेंशन कि आगे निज़ाम कैसे चलेगा, मैं ना मेरी कोई जॉब है, बर्ड्स हैं, बर्ड सेल होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये, लेकिन साथ साथ लोगों के भी मशवरे शुरू हो गए कि अच्छा वहाँ जा कर जॉब कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वहाँ चले जाओ, मेरा भाई इस पिंडी में होता है, उधर चले जाओ, उसके पास तुम लोग रह लो, ऐसे कर लो। तो ये चीज़ें भी थी, और शुरू में ऐसे किया भी है हमने कि मैंने अपने जो है सारे रैबिट सेल कर दिए, मैंने मुर्गियाँ थी सारी मेरे पास इतनी असील अच्छी किस्म की, वो सेल कर दी, और इतने बर्ड्स से ज़्यादातर, लेकिन ये सोचा कि छोटे बर्ड्स को नहीं सेल करेंगे, इसको जो है मैं रखूँगा और इनको जो है साथ ले जाऊँगा पिंडी, और वहाँ पे जो है इस चीज़ को आगे चलाऊँगा। लेकिन फिर ये तय पाया कि वहाँ जाएंगे तो पीछे घर ख़राब हो जाएगा, घर को कैसे मैनेज करें, पीछे मकान ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा कुछ हो कि इधर ही रह जाए ताकि घर भी ख़राब ना हो और साथ साथ ये भी चलता रहे, ठीक है। तो इसमें मेरी जॉब नहीं थी और अबू फोत हो चुके थे, अबू मेरे फोत हुए हैं पिछले साल की अगस्त में 30 तारीख को, अभी साल होने वाला है उनको, अभी देखें आज भी अगस्त, आज मेरे ख्याल में अगस्त की 8 या 9 तारीख है, ठीक है, तो साल होने वाला है। फिर उसके बाद ये है कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला था बर्ड्स का, और बर्ड्स को मैंने ब्रीड पे लगा दिया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ आपको मैं दिखा दूं कि लवबर्ड थे, अल्बाइनो रेड आइज़ को छोग्रोमो थे, और साथ में मेरे पास वाइट और ग्रे जावा की ये वाली कॉलोनी थी जो अबू के साथ ही मिलकर बनाई थी। कुछ चीज़ें बन गई, कुछ चीज़ें ये देखें ऊपर जाली रहना, दरवाज़े अधूरे रह गए, बीच में रह गए, केजेस को पेंट हो रहे थे, ये देखें कुछ को हुए, कुछ अधूरे रह गए, वाइट करना था सबको, जो है अबू फोत हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ऐसी ही रह गई, नहीं हो सकी, ठीक है। तो ये वाली एक कॉलोनी थी, इसके बीच में मेरे पास वाइट जावा के 10 जोड़े थे, और ये चीज़ें, ठीक। तो इनको मैंने जो है इस कॉलोनी में छोड़ के जो है यहाँ पे बॉक्स लगा दिए, इनको जो है ब्रीड पे लगा दिया, साथ में लवबर्ड को भी मैंने ब्रीड पे लगा दिया, साथ में जो है मैंने अपने जावा वगैरह को भी जो है ब्रीड पे लगा दिया। तो उससे क्या सीज़न स्टार्ट हो गया, ब्रीड करना स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के इन बर्ड्स की, हालांकि ये सिंपल जावा है, पिछले सीज़न में इसका रेट ज़्यादा अच्छा था, अभी कम हो चुका है, लेकिन इतनी अच्छी ब्रीड की इस चीज़ ने कि मुझे इससे जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ। हर जोड़े ने 5, 6, 7 इस तरह बच्चे दिए, और जो है मतलब ज़्यादा ज़्यादा अंडे दिए, 10 जोड़े थे, और मतलब अच्छा बच्चे बड़े होते फिर अगली ब्रीड आ जाती, वो वाला पहले सेल होता, और वो सारा कुछ सेल कैसे हो रहा था, YouTube की वजह से। YouTube पे मैंने ग्रुपों वगैरह में कभी कोई खास ऐड नहीं लगाया, मैं भी कभी कभार कोई लगा दूँ, या मैं अपने फेसबुक पे लगाता हूँ, या फिर जो है मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो चीज़ मेरे पास सेल के लिए होती है, तो इतने लोग वहाँ पर ही आ जाते हैं सेल ख़रीदने के लिए कि कहीं और ग्रुप वगैरह में WhatsApp पे कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये सारा YouTube की वजह से हो रहा है और बर्ड्स की वजह से हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स रहा। मैं सोच रहा था कि अब कैसे निज़ाम चलेगा, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा, क्या होगा, टेंशन थी एक जो है, बर्ड्स हैं, बर्ड्स का ख़र्चा भी पूरा करना है, लेकिन बर्ड्स की इतना अच्छा जो है उस वक्त मतलब क्या बोलते हैं इसको कि अल्लाह ने ऐसा जो है करम किया कि बर्ड्स ऐसे सेल होना शुरू हुए, ऐसी ब्रीड करना शुरू हुए जैसे पिछले सीजन में भी नहीं था, ठीक है, करते थे अच्छी ब्रीड करते थे, लेकिन इतना अच्छा जो है रिज़ल्ट मिला, लेकिन सब जो है इन बर्ड्स की वजह से, और वो इन बर्ड्स की वजह से। बाद में ये देखें ऊपर मैंने रेड पाइड लिए, डायमंड पाइड लिए, मैंने जो है ये देखें दूसरे जो है मेरे पास इसमें अल्बिनो जावा, फोन जावा, ओपल जावा, ये सारे जो है मैंने बाद में ख़रीदे हैं। सिर्फ मेरे पास ये वाइट जावा की कॉलोनी थी, 10 जोड़े थे, और अल्बाइनो रेड आइज़ थे। यहाँ पे बात जो है बर्ड्स की हो रही है, ये कोई नहीं है कि सिर्फ लव बर्ड या सिर्फ जावा या सिर्फ गोल्डियन, ये हर उस बर्ड्स की है कि सारी चीज़ें जो है बिकती हैं, और हर एक चीज़। मेरे अबू एक बात कहते थे कि मुझे कभी कभी टेंशन होती थी कि बर्ड जो है इतना ज़्यादा बच्चे निकल आए हैं, अब इनको बेचूंगा कैसे, क्या होगा, तो मुझे कहते थे कि मट्टी भी बिक जाती है, तो ये तो फिर सांस लेने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो हर चीज़ बिकती है, हाँ ये है कि रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो है हर चीज़ बिकती है।
तो अच्छे से बर्ड सेल हुए, मैंने काफ़ी सारे सेल किए, लव बर्ड में सेल किए, जावा में सेल किए, डव में सेल किए, होग्रोमो एग्जीबिशन मेरे पास थे उनमें मैंने सेल किए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने काफ़ी चीज़ें जो है बाद में ख़रीदी भी, सिर्फ मैंने लव बर्ड जो है या उससे जो है मतलब उसकी बात मैं नहीं कर रहा, हर एक बार जो है बिका है अच्छी प्राइस में अच्छे उसमें, तो इससे मुझे फ़ायदा हुआ। कहने का मतलब ये है कि मुझे उस मुश्किल वक्त में जो है मेरे बर्ड्स ने सपोर्ट किया है। हालांकि अगर ये मेरे पास ना होते तो फिर मैं क्या करता, मुझे कोई जॉब करनी पड़ती 18-20 हज़ार 25 हज़ार की, या फिर जो है कोई मजदूरी कर रहा होता मैं आज। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ बर्ड्स थे, मैंने उनको ब्रीड पर लगाया, जो है उन्होंने अच्छी ब्रीड की, फिर आगे जल्दी जल्दी सेल भी होता गया वो बर्ड। यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा कि आप जब अच्छे बर्ड लगाते हो, आपके बर्ड अच्छे होते हैं, आपकी नीयत साफ़ होती है, आप दूसरों को अच्छी चीज़ देते हो, तो आपकी बर्ड बिकते भी हैं, लोग फिर जो है आपका एक नाम भी बनता है और आपसे ही ख़रीदते हैं कि आप उनको अच्छी चीज़ देते हो। तो मैंने हर दफ़ा यही कोशिश की है कि जब भी मैं कोई बर्ड ख़रीदूँ या किसी से लेकर आऊँ तो मैं अच्छी चीज़ लेकर आऊँ। मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि बर्ड्स मुझे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, तब मैं उस चीज़ को ख़रीदता हूँ। मैं ये चीज़ नहीं देखता कि वो महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगा कि अब्बू ने साथ में ये चीज़ें भी कही हैं कि जब आपको कोई चीज़ पसंद है और आपको उससे फ़ायदा है, तो फिर आपने जो है ये चीज़ नहीं देखनी कि वो महंगी है या सस्ती है, फिर आप वो लो। ठीक है, तो मैंने हमेशा अच्छी चीज़ ही ख़रीदी है, भले ही महंगी ली है, लेकिन फिर बाद में जब आप अच्छी चीज़ लेते हो तो वो बाद में अच्छी बिकती भी है अच्छे पैसों में। तो अब लोग यहाँ पे आके जो है कह रहे होते हैं कि ये बर्ड्स का रेट कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मकसद ये है कि अच्छी चीज़ हो और बिकनी चाहिए आपकी, रेट कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये है कि जब रेट कम हो तो आप जो है इनको बढ़ा लो, इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा लो, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर भी आपको फ़ायदा होगा। अब एक और चीज़ जो है कि इतना सा परिंदा है ये, छोटा सा, ठीक है, जावा ले लें, लबड़ ले लें, कितना खा जाता है ये, लेकिन जो है इसकी प्रोडक्शन, इसका जो है रेट कम ज़्यादा जो है जैसे भी हो जाए, लेकिन जो है थोड़ा सा खाता है, ख़र्चा कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो जो है हमें उसमें फ़ायदा ही है। और फिर बिक भी जाते हैं, बस आदमी में थोड़ा सब्र होना चाहिए। जैसे आजकल लोग दूसरों को जो है ब्लेम कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से ऐसे हो गया, उनकी वजह से ऐसे हो गया। चलो मान लो कि जिसकी वजह से भी हो गया, लेकिन अगर इस चीज़ को ही लेके बैठ रहेंगे कि उसकी वजह से हो गया, तो फिर क्या ये हॉबी जो है या फिर ये जो आजकल के हालात बने हुए हैं ये बेहतर हो जाएंगे? बेहतर करना होगा तो ख़ुद को बेहतर सोचना होगा, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपने बर्ड्स को बढ़ाएं, अपने बर्ड्स को प्रॉपर रखें, उनकी अच्छे बर्ड्स आप किसी को देंगे, अच्छी नीयत रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। मैं तो पिछले एक साल से अब्बू के फोत होने के बाद से, पहले मैं ज़रा नेगेटिव कुछ सोच लेता था, लेकिन जब से वो फौत हुए हैं तो मैंने अपना माइंड मेरा ऐसा पॉजिटिव हुआ है, ये एक चीज़ देख के कि उस मुश्किल वक्त में जो है ये बर्ड ने मुझे कितना सपोर्ट किया, तो मेरे नीयत या मेरा माइंड जो है ख़ुद बहुत साफ़ हो गया और मैंने अच्छी अच्छा माइंड सेट ही रखा हुआ है। तो जब आप अच्छा सोचोगे तो फिर अच्छा ही होता है आपके साथ। तो ये चीज़ को लेकर चलें और जो है अपने बर्ड्स जो है इनसे जो है वो ना हो, ना ही जो है दूसरों को ख़राब करें, ना जो है ख़ुद ख़राब हों, लेकिन तब जो है आपके साथ आपको फ़ायदा ही होगा इसमें। ठीक है, लेकिन जो है ये चीज़ आप करें कि जो है ऐसे हो गया या फलां की वजह से हो गया, तो फिर जो है आपको वाकया जो है इसमें नुकसान ही होता है, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को ही होता है जिसको जो है इस चीज़ का शौक़ है। और वो चीज़ अभी मेरे पास कई बर्ड्स ऐसे हैं जो ब्रीड नहीं भी करते, तो मुझे उनका शौक़ है, मैंने वो रखा हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि मुझे बर्ड्स का शौक़ है और तब भी मैं इस चीज़ में सर्वाइव कर सक रहा हूँ और इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर जो है मुझे शौक़ ना होता तो फिर बस दाना पानी डाला और जो है बेगम होकर चला गया। अभी मैं पूरा दिन भी यहाँ पर लगा रहा हूँ तो जो है मैं बोर नहीं होता इस चीज़ से। तो आपको ऐसा ही कोई काम करना चाहिए जिससे आप बोर ना हो, जो चीज़ आपको पसंद है तो फिर एक हाथ पर आकर एक वक्त पर आपको जो है उससे फ़ायदा हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर ये आप सोच लें कि मेरे पास जो है ये बर्ड्स ना होते और जो है मेरे पास जो है ये चीज़ ना होती, तो फिर उस मुश्किल वक्त में मैं क्या करता? मैं यही सोच रहा था कि अब क्या होगा आगे, आगे मुझे जॉब करनी पड़ती, मजदूरी करनी पड़ती, तो ये चीज़ें, तो इन सब चीज़ों से मैं बच गया। सर बर्ड्स से मेरे पास इनसे जो है मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला, अच्छी ब्रीड आई, अच्छे सेल हुए यूट्यूब की वजह से,
YouTube भी मेरा तब है जब मेरे पास बर्ड्स हैं, जब बर्ड्स नहीं होंगे तो मैं YouTube पे क्या वीडियो डालूंगा, क्या आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा बातें करना और इतनी सारी कहानी सुनाना आपको, तो उसका ही मकसद है कि इसको जो है अच्छे से लेकर चलें। रेट कम ज़्यादा ये चीज़ मायने नहीं रखती। आपने जो है बर्ड के अगर रेट कम हो गए हैं तो उसकी जो है प्रोडक्शन को आप जोड़े बढ़ा लें, उसको जो है आप लेके चल सकते हैं। बर्ड अच्छी ब्रीड करते हैं, अच्छे आप उनको मतलब डाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है रखें तो अच्छी ब्रीड भी करेंगे और बिक जाएंगे। कोई नहीं, जब मैं एक गांव में रह के, मैं अटक के गांव में दोमेल उधर रहता हूँ, तो यहाँ पे रह के बैठ के जो है चीज़ें बेच रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। मुझे तो कोई जानता भी नहीं था जो है, लेकिन जो है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू की, उससे मेरा नाम बन गया। लोग जो है काफ़ी दूर से लोग जो है मैसेज करते हैं, जो है अभी भी काफ़ी लोग मेरे पास जो है डक्स वगैरह हैं उसके इंतज़ार में कि जब ब्रीड आएगी तो आप हमें दीजिएगा। ब्लू गोल्डियन मेरे पास हैं, ब्लू गोल्डियन मैंने बाद में ख़रीदी हैं, ये भी सारा जो है मेरे पास जावा थी, जावा की वजह से जो है, ये लव बर्ड थे, लव बर्ड की वजह से जो है ये बाकी सारी चीज़ें मेरे पास आई हैं। यहाँ पे रेड पाइड हो गए। तो बर्ड्स का काम जो है आप करें, उसमें फ़ायदा ही है, किसी भी हाल में जो है नुकसान नहीं है। भले रेट ज़्यादा हो तो ज़्यादा फ़ायदा है, रेट कम हो तो जो है तो भी फ़ायदा है, कम होगा लेकिन जो है कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। अब मेरी जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी के सहारे वो है और इसी के सहारे अब तक जो है मैं सर्वाइव करता आया हूँ। अबू को फौत हुए, मैं आपको बता चुका हूँ कि साल होने वाला है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, 30 अगस्त को उनको साल हो जाएगा। तो सिर्फ बर्ड्स की वजह से ही जो है ये मेरा निज़ाम सारा जो है चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने घर का निज़ाम भी चलाया है, मैंने जो है नए बर्ड्स भी ख़रीदे हैं, सारा कुछ किया है सिर्फ बर्ड्स की वजह से। तो बर्ड्स का बिज़नेस कोई ऐसा वैसा वो नहीं है कि जो है बढ़ गया या इस तरह हो गया, लोगों ने आज कल चलाया हुआ है कि जावा बढ़ गई, डब बढ़ गई, लबड़ बढ़ गया, भले ही बढ़ गया जहाँ भी बढ़ गया, लेकिन जो है फिर भी बिक रहा है। मकसद ये है कि बिकना चाहिए, पैसे कम ज़्यादा को कोई मायने नहीं रखती मेरे ख्याल में तो ये बात। तो ये रहे मेरे बर्ड्स और देख लें आपके सामने ही है, एक पिंजरे से शुरू किया था, देन आज जो है कितने बर्ड्स हैं मेरे पास माशाल्लाह, जितने भी हैं उतने ज़्यादा नहीं हैं कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ा सेटअप है मेरा, लेकिन जितना भी है लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ही हुआ है। अगर ये ना होता तो फिर मैं कोई मजदूरी कर रहा होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसी बुरी बातें ना करें किसी के बारे में और जो है अच्छा माइंड सेट रखें, अच्छे से अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, उनको जो है केयर करें। मैं अब यहाँ पूरा दिन भी रखा रहूँ, कभी मैंने जो है किसी के बॉक्स जो है साफ़ करके बाहर रखे हैं, किसी के जो है दाना पानी सही से किया है, कभी किसी की स्टिक जो है वो करनी है, किसी का केज साफ़ करना है, तो मतलब मेरी ये रूटीन चल रही होती है। मैं पूरा दिन भी लगा रहूँ जो है, कितने घंटे लगा रहूँ, तो मैं यहाँ तो बोर नहीं होता। अभी देखें फिर से मैंने जो है इस पूरे कमरे को चूना किया है ताकि जो है साफ़ हो जाए ये चीज़ें। तो पिछले सीज़न में मैंने अपने बर्ड से तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा रुपये कमाए थे और जो है मुझे काफ़ी अच्छा हो रहा, अभी तक जो है ये बिकते आ रहे हैं। अब मेरे पास बर्ड ख़त्म हो गए हैं सेल करने के लिए, अब जो आगे सीज़न स्टार्ट होगा निकलेंगे तो फिर। तो ये चीज़ साथ में मुझे यूट्यूब से थोड़ी सपोर्ट हो जाती है, साथ में बर्ड जो हैं उसकी वजह से सपोर्ट हो जाती है। तो यूट्यूब से भी सपोर्ट क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो तकरीबन मेरे कोई 3.5-4 लाख का जो है फ़ायदा हुआ था, इससे में भी इससे ज़्यादा ही हुआ था, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़न बता रहा हूँ कितना, लेकिन जो है मैं आपको नहीं बताऊँगा कितना हुआ है, लेकिन तकरीबन इतना ही हुआ है, इससे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ हॉबी को ख़राब ना करें, इस बिज़नेस में इस काम में आपको फ़ायदा है। अगर आपको शौक है तो फिर आपके लिए ये जो है बेस्ट बिज़नेस साबित होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को मैं भी बोर लगी हो, लेकिन मेरी जो कहानी थी मैं कैसे लेकर चला हूँ इस चीज़ को, मैंने आपको वो बताया है और अभी तक लेकर चल रहा हूँ, नहीं तो जो है उस मुश्किल वक्त में मैं इनको शेयर करके वो कर देता कि चलो जो पैसे आएंगे जो है उससे जो है निज़ाम चला लेते हैं, देन फिर बैठ जाता कि अब क्या करूँगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया, उसी में से कुछ चीज़ों को सेल किया, जो बच्चे निकले उनको सेल किया, कुछ अपने सेटअप को बढ़ाया,
तो उस तरह जो है मैं इनको लेकर चलता रहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है ना, मतलब मेरा माइंड जो है क्लियर है कि आगे चल के जो है इस चीज़ में मुझे फ़ायदा ही होना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि रेट कम हो गए हैं तो अब क्या करूं, बढ़ गया चलो बेचो जल्दी से जान छुड़ाओ, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। हर बर्ड को जो है मुझे पसंद है, मैंने शौक से रखे हुए, और शौक से रखे हुए भी तब हैं जब इनका ख़र्चा इन्हीं से ही निकल रहा है और इन पर लग रहा है और घर का निज़ाम भी चल रहा है। जब इससे मुझे फ़ायदा ना होता और मैं जो है इनको बेचकर कोई मजदूरी कोई जॉब करने पर निकल जाता कि अब आगे क्या करूँगा कैसे चलाऊँगा, तो इससे फ़ायदा हो रहा है तभी रखे हुए हैं ना भाई। तो ये बात है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया है। बोर लगा हुआ या किसी को कोई बात बुरी लगी हुई तो सॉरी जो है माफ़ी मांगता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये मेरी कहानी थी, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो और बनाता रहूँगा, आपको इसी तरह की टिप्स देता रहूँगा। अल्लाह के हवाले, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।